क्रिकेटर से बीजेपी के नेता बने गौतम गंभीर ने मंगलवार को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट पर गंभीर का मुकाबला भाजपा के वापस कांग्रेस में लौटे अरविंद सिंह लवली और आपके प्रत्याशी आतिशी मरलेना से है। 2014 में यहां से बीजेपी के महेश गिरी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर गंभीर को टिकट दिया है। और इससे पहले गौतम ने लोकसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में रोड शो भी किया था। उनके साथ भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद थे। हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने नामांकन से पहले गौतम गंभीर और मनोज तिवारी से खास बातचीत की। बहुत एक्साइटेड हूँ, प्लस दिल्ली का लड़का हूँ, दिल्ली में ही पढ़ा हुआ हूँ, दिल्ली में अपनी स्कूलिंग भी करी है, तो एक दिल्ली से इमोशनल टच है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो दिल्ली वालों का सपना है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही आपने राजनीति में आने का कदम कैसे उठाया? आप एक खिलाड़ी के तौर पे वक्त नहीं दे पाएंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत थी, जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिए पिछले 5 साल में जैसे फैसले लिए, मुझे लगता है वो इस देश के लिए सही फैसले थे। और जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट करी है उसको आगे लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा उस लेगेसी को आगे लेके जाऊंगा। आज आप रोड शो करते हुए अपने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं, क्या बात है आपके दिमाग में? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दिल्ली का विकास, जो मेरे दिमाग में दिल्ली का विकास है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वही मेरा सपना भी है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, दिल्ली के लोगों के लिए बेटर करना वो मेरी जिम्मेदारी भी है। अब देखिए, पहले तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल में करी है उसी को आगे लेके जाऊंगा जैसे मैंने आपको बोला। लास्ट, इस दिल्ली को बेस्ट दिल्ली बनाऊंगा, इस दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। अरे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई चैलेंज ये नहीं है कि कौन खड़ा है, चैलेंज ये होगा कि जो मैं लोगों को प्रॉमिस करूंगा उसको फुलफिल करूं, जो अभी तक आम आदमी पार्टी ने नहीं किया पिछले 4.5 साल में, तो जो हम प्रॉमिस करेंगे उसको पूरा करेंगे। नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं गौतम गंभीर, उनके साथ में मनोज तिवारी है, उनसे बात करते हैं। मनोज सर, आज आप गौतम गंभीर के कंपेयरिंग के लिए आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? गौतम गंभीर को दिल्ली दे रही है प्यार फिर से एक बार मोदी सरकार। गौतम गंभीर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच पर खेलने को हो गया है तैयार फिर से एक बार मोदी सरकार। आप भी दिल्ली के चुनावी मैदान में हैं, दिल्ली के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कहेगी बीजेपी? दिल्ली को जिन लोगों ने दुर्दशा के कगार पे पहुंचा दिया उनको सबक सिखाएंगे, और इस बार दिल्ली में फिर से कमल खिलाएंगे जिन लोगों ने 15 साल शासन करके दिल्ली को तबाह किया, जिन्होंने 5 साल में दिल्ली को नेस्तनाबूत कर दिया, ऐसे आप और कांग्रेस के पाप को हम समाप्त करेंगे और दिल्ली की 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए देंगे। तो गौतम गंभीर के प्रचार में मनोज तिवारी उतरे और खुद गौतम गंभीर रोड शो करते हुए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, बीजेपी के नॉमिनेशन में पहुंचे हैं गौतम गंभीर के, और पूर्वी दिल्ली से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं गौतम गंभीर। तो फिलहाल एक बड़े चेहरे के रूप में, एक सेलिब्रिटी के तौर पे गौतम गंभीर दिल्ली में जीत पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV, दिल्ली।